In this video, I will show you how to deal with HTML5 element. Assalamualaikum दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं HTML का HR tag. Use the HR tag to define thematic changes in the content. जी दोस्तों, आप thematic changes जो है वो HR tag को यूज करते हुए अपने HTML content के अंदर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं. जी दोस्तों, Adobe Reviewer CS6 की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी और डेफिनेशन और यूजेज इसका बताना चाहूंगा. HR tag defines a thematic break in an HTML page, e.g. a shift of topic. ये बिल्कुल, the HR element is most often displayed as a horizontal rule that is used to separate content or define a change in an HTML page. जी दोस्तों, HR tag जो होता है ये एक रूल की तरह, एक लाइन की तरह जो है वो शो होता है. आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं विद इन द HTML पेज, आप शो कर सकते हैं कि ऊपर वाली जो लाइन है, ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस के लिए है या कि जो शिफ्ट टॉपिक के लिए है. अब मतलब किसी भी काम के लिए जो है HR जो है किसी चीज को किसी चीज से अलहदा करने के लिए, दिखाने के लिए HR जो एलिमेंट है आप इसको यूज कर सकते हैं. अलाइन HR एलिमेंट विद CSS, आप HR को CSS के साथ अलाइन कर सकते हैं. और एक नो शेडेड HR जो है HR एलिमेंट आप बना सकते हैं विद CSS के साथ. और सेट द हाइट ऑफ HR एलिमेंट विद CSS, आप जो हाइट है CSS की HR की वो CSS के साथ सेट कर सकते हैं. और विथ जो HR की वो CSS के साथ सेट जी कर दोस्तों ये थे कुछ कंटेंट जो मैंने आपको शो किया. तो अभी हम आ गए हैं Adobe Reviewer CS6 की विंडो की तरफ. इसकी मैंने फर्स्ट फाइल जो HR है वो ओपन की है. यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप है, HTML है, हेड है, मेटा डाटा है, टाइटल है, उसके बाद लिंक है एक स्टाइल शीट का जो बाई डिफॉल्ट है. लिंक हो तो भी कोई मसला नहीं, ना हो तो भी कोई मसला नहीं है. तो क्योंकि ये बाई डिफॉल्ट जो है वो टेक्स्ट को शो करती है. उसके बाद नीचे बॉडी में दोस्तों मैंने क्या किया कि यूज द HR टैग टू डिफाइन थीमेटिक चेंजेस इन द कंटेंट. हम इसको दे देते हैं H1 ताकि ये खूबसूरती के साथ जो है वो शो करे हमारे कंटेंट को. उसके बाद दोस्तों इसको हम दे देते हैं H2. The main languages of the web. जी दोस्तों, उसके बाद HTML की कुछ डेफिनेशन है, तारीफ है. उसके बाद दोस्तों CSS की तारीफ है. उसके बाद PHP जो है इसकी तारीफ है. तो दोस्तों मैंने क्या किया कि जो मेन लैंग्वेजेस ऑफ द वेब है उसमें जो HTML है उसकी तारीफ करने के बाद मैंने HR ड्रॉ कर दिया, और CSS की तारीफ करने के बाद मैंने फिर HR ड्रॉ कर दिया. तो ये इन तीनों को जो है सेपरेट कर रही है. तो हम देखेंगे ब्राउजर में कि ये किस तरह से इसको ब्राउजर इसको किस तरह से रेंडर कर रहा है. F12 प्रेस करते हुए हम ब्राउजर की तरफ चले गए. तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है द मेन लैंग्वेज ऑफ द वेब HTML जो है वो डिफाइन हुई. उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ हो गई. लाइन ड्रॉ होने के बाद फिर नीचे CSS जो है वो डिफाइन हुई. उसके नीचे फिर लाइन ड्रॉ होगी. तो PHP इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसके नीचे भी अगर हम जो है वो लाइन ड्रॉ करना चाहें तो हम कर सकते हैं. तो ये HR जो है इसने जहां जहां पे हमने इसे डिफाइन किया इसने उसके नीचे जो है एक लाइन ड्रॉ कर दी. ये दोस्तों अभी हम जो है HR को CSS के साथ जो है अलाइन करेंगे अपनी मर्जी के साथ. मैंने टेक्स्ट लिखा अलाइन HR एलिमेंट विद CSS. उसके बाद नीचे मैंने HR टैग स्टार्ट किया. उसमें स्टाइल टैग स्टार्ट किया. जो इनलाइन स्टाइल शीट है वो मैंने स्टार्ट की. उसमें विथ मैंने 50 पिक्सल दे दी. और टेक्स्ट अलाइन जो है वो लेफ्ट और मार्जिन जो है लेफ्ट वो जीरो दे दिया. टेक्स्ट अलाइन भी जो है वो लेफ्ट कर दिया और मार्जिन जो है वो लेफ्ट वो भी जीरो कर दिया मैंने. तो अभी हम देखते हैं इसको अपने ब्राउजर की विंडो में ये किस तरह से शो होती है. ये देखा आपने दोस्तों, ये हाफ जो है हाफ आपकी जो विंडो है आपका जो ब्राउजर की विंडो है उसका हाफ इसने जो है वो भी इस्तेमाल किया है. जबकि पीछे ये 100% इस्तेमाल कर रही थी. ये यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक 100% इस्तेमाल कर रही थी. लेकिन अभी इसने जो है आपके ब्राउजर का जो हाफ है 50% वो इस्तेमाल किया और अलाइन जो है इसकी लेफ्ट है. तो अगर हम अलाइन इसकी राइट करते हैं जहां पे अलाइन लेफ्ट है टेक्स्ट अलाइन वगैरह तो ये ऑटोमेटिकली उसको राइट साइड पे ले जाएगा. तो हम इसका जो है HR का जो है नो शेडेड HR जो है वो टैग वो इस्तेमाल करके CSS के जरिए देखते हैं. तो स्टाइल टैग के अंदर जस्ट हमने क्या किया दोस्तों, बाकी चीजें वही है. एक नो शेडेड HR विद CSS लिखा मैंने. और HR स्टाइल हाइट जो है 2 पिक्सल, बॉर्डर विथ जो है 0,
कलर ग्रे दे दिया, बैकग्राउंड कलर भी मैंने इसे लाइन को ग्रे दे दिया। तो हेड इसकी कितनी मैंने दे दी दोस्तों, 2 पिक्सल। तो हम इसे F12 के जरिए देखते हैं ब्राउजर में। तो आप देखें इसकी हाइट जो है वो 2 पिक्सल होगी। क्या हम इसकी हाइट सेट कर सकते हैं 2 पिक्सल की बजाय, क्या हम यहाँ पे 50 पिक्सल दे सकते हैं? जी दोस्तों दे सकते हैं, क्यों नहीं। F12 प्रेस करते हैं और आप देखें कि किस तरह से इसकी जो लाइन की जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ज्यादा होगी। तो हम इसको 50 पिक्सल की बजाय हम इसे 5 पिक्सल करते हैं और फिर देखते हैं कि ये किस तरह से जो है वो रेंडर कर रहा है। ये दोस्तों आपने देखा कि ये किस तरह से जो है लाइन जो है वो छोटी होगी और लेकिन खूबसूरत होगी। तो अभी हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों। तो यहाँ HR की जो HR है उसकी हाइट जो है जो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको HR की हाइट के बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो स्टाइल हाइट जो है वो 30 पिक्सल का है, यहाँ पे 30 पिक्सल है। तो हम इसको चेक करते हैं क्योंकि हमने 50 पिक्सल में गए थे। तो आप ये देखें इसकी जो हाइट है ये शो कर रही है कि जी यहाँ पे HR लाइन है जिसका बैकग्राउंड कलर वगैरह कुछ नहीं है, जिसका जो खुद अपना कलर है वो कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इसका बैकग्राउंड कलर हमने सेट किया था यहाँ पे, हाइट जो बॉर्डर विथ जो 0 कलर ग्रे दे दिया था और बैकग्राउंड कलर भी ग्रे दे दिया था, लेकिन यहाँ पे हमने इसका कोई कलर वगैरह सेट नहीं किया, हमने जस्ट इसकी हाइट बता दी। तो हाइट बताने के साथ इसने जो है वो हाइट तो शो कर दी लेकिन उसको कोई कलर वगैरह जो है नहीं दिया, लेकिन खूबसूरत लग रहा है। अगर आप अपने जो है HTML पेज में यूज करते हैं तो इट्स लुक ब्यूटीफुल। तो उसके बाद जो है HR4 की तरफ जाते हैं, सेट द विथ ऑफ HR एलिमेंट विथ CSS। जिस तरह के हम पहले जो है इसकी विथ जो है 50% कर चुके हैं, तो अगर हम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि इसकी विथ जो है वो 50% ही रखेंगे और इसे कंट्रोल एस करके F12 प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल 50% है। स्टाइल जो है इसका सेट द विथ ऑफ द HR एलिमेंट। जी दोस्तों तो आप देख रहे हैं कि HR एलिमेंट जो है HR स्टाइल है विथ जो है इसकी 50% है। तो ये बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है, इसने 25% इधर से लिया, 25% इसने इधर से लिया और 25% इधर से। इसने बिल्कुल सेंटर के अंदर अपनी जो है जगह जमाई और अपने आप को शो किया। तो आई थिंक इट्स आल्सो लुक ब्यूटीफुल। जब आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप HR जो है वो डिफाइन करते हैं, जिस तरह के यहां पर अगर आप HR डिफाइन करते हैं और आप जो है इसकी विथ हुई सेम वाली ये वाली आप यहां पे डिफाइन कर देते हैं, इस तरह का हम इसे उठाते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं और स्टार्ट पे चले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं इसको इसके साथ पेस्ट कर देते हैं, फाइल लेते हैं, सेव करते हैं और अपनी फर्स्ट वाली विंडो जो है ये वाली इसमें पहुंच जाते हैं। ये दोस्तों आपने देखा इसने ऑटोमेटिकली जो है इसको बिल्कुल छोटा करके दिखा दिया। इसके नीचे भी HR जो है वो यूज हुआ हुआ है इसलिए वो तो 100% आ रहा है। तो मैं इसे डल करके कंट्रोल एस करता हूँ और दोबारा से इस ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ। जी दोस्तों आपने देखा कि इंतहाई खूबसूरती के साथ बिल्कुल मिडल के अंदर ये उसको सेपरेट कर रहा है, बजाय इसके कि मुकम्मल लाइन लगाएं इसको ऐसे छोटी छोटी लाइन लगा के हम भी सेपरेट कर सकते हैं। जी दोस्तों आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको समझ ना भी आई हो तो आप इसकी जो है सोर्स फाइल डाउनलोड करें, सोर्स फाइल डाउनलोड करने के बाद अगर उसको उसमें प्रैक्टिकल्स करें। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने ट्यूटर मोहम्मद सलाबास को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद